नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F23 5G versus Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 6.52 इंच जबकि Note 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F23 5G में 3.03 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F23 5G में 0.33 इंच जबकि Note 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy F23 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F23 5G में 198 ग्राम जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy F23 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F23 5G में TFT जबकि Note 11S में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy F23 5G में 20:9 जबकि Note 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F23 5G में 6.6 इंचेस जबकि Note 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F23 5G में 1080x2408 और Note 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F23 5G में 82.53% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F23 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11S में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F23 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F23 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F23 5G में Adreno 619 जबकि Note 11S में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F23 5G में अप टू 1TB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy F23 5G में Android V12 जबकि Note 11S में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी F23 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 11S की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11S आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F23 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08i है, दूसरा मोटो G 5G है, तीसरा ओप्पो F19 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।